और यहाँ के एस्केलेटर्स का तो यही सीन है, एस्केलेटर्स बंद पड़े हुए हैं यहाँ के। हाल मित्रानो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज हम यहाँ पर, मेरे यहाँ पे एक मॉल है पास में ही, मेट्रो जंक्शन मॉल। सो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा काम है, मुझे जाना था। सो आई थॉट ऑफ कि व्लॉग करते हैं, क्यों नहीं। और इस व्लॉग, इस मॉल के बारे में ज्यादा वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। सो आई थॉट कि आप लोग को जानना हो, सो हैव अ लुक, लेट्स गो आउट। हाँ, एक और चीज, जाने से पहले मैंने एक ये ऑर्डर किया था, तो इसका पैकेज आ गया है। इसका पॉसिबली आप लोगों ने इसका अनबॉक्सिंग देख लिया हो, ये एक ट्राइपॉड है बेसिकली। सो इसका देख लिया होगा आपने, और चलिए बाहर जाते हैं। सो गाइस, नाउ रीच द डेस्टिनेशन एंड आई गेस लाइटनिंग इश्यूज है कुछ। सो मेट्रो जंक्शन मॉल बेसिकली मेरे यहाँ से 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो इफ एनीवन लिव अराउंड, पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मिलते हैं फिर हम लोग। सो आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है बेसिकली। लेट्स गो गाइस। बाय द वे, हाउ इज दिस प्लेस? एक्चुअली यहाँ पर एक मंदिर है पीछे। सो ये मंदिर आप लोगों ने देखा होगा मेट्रो मॉल में। सो अभी जाते हैं, पहले नीचे थोड़ी सी शॉप शॉपिंग करनी है हमें। सो पहले कर देते हैं कुछ शॉपिंग, उसके बाद देखेंगे बाकी। सो लेट्स गो। यहाँ पे एस्केलेटर एक्चुअली बंद है, सो हमें भाग भाग के जाना पड़ेगा। और बीच में मोमेंट थोड़ा सा शॉक शेकी हो गया, और वीडियो थोड़ा शेकी हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी रियली। ब्लॉगिंग एक्चुअली उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मेरा, सो आई कांट रियली से कि क्वालिटी कैसी होगी। जो भी होगी आपको, जो भी मैनेज करना होगा बाकी का देखते हैं। मेरे को फिलहाल जाना है बिग बाजार, शॉपिंग करनी है, शर्ट वर्ट लेना है, देखते हैं बाकी का बाद में। तो मैं थोड़ी सी पहले शॉपिंग करता हूँ, उसके बाद बाहर आके मिलता हूँ आपसे, आपको दिखाता हूँ शॉप मॉल कैसा है। सो वैस करेंटली बिग बाजार में हम लोग, और मैं एक्चुअली एक शर्ट के लिए आया था, तो बस ये शर्ट ले लिया है मैंने, डैड के लिए गिफ्ट लेना था। और बाकी और कुछ मुझे पसंद ही नहीं आया, मैं देख रहा था कुछ होता तो और कुछ ले लेता, बट जो मेरा काम था वो हो गया बेसिकली, इसके लिए मैं आया था। बाकी और कुछ लिया नहीं मैंने, जैसे कि आप लोग को पता है कुछ पसंद नहीं। अभी देखते हैं कुछ फूड आइटम्स में कुछ होता है तो ले लेता हूँ। गाइस नाउ डन विथ शॉपिंग, फूड टाइम आते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। एस्केलेटर्स बंद पड़े हुए हैं यहाँ के, तो एस्केलेटर्स का तो कुछ सहारा नहीं, हमको चढ़ चढ़ के चल चल के जाना पड़ेगा। और फिलहाल तो 9:20 हो रहे हैं, सो निकलना भी है मुझे, फिर भी मॉल आपको दिखाते हैं। सो गाइस, अभी ये जो है एक्चुअली एक ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर नहीं, बिकॉज इस मॉल में कहने को दो फ्लोर हैं बट तीन है, क्योंकि लॉबी से अगर आप एंट्री जहाँ से मारोगे वो फर्स्ट एंट्रेंस जो है वो लॉबी से स्टार्ट होता है। सो लॉबी से शुरू होके वो जाता है, आई मीन फर्स्ट एंट्रेंस, सेकेंड एंट्रेंस ग्राउंड फ्लोर पर है। सो सेकेंड एंट्रेंस आओगे तो आपको दो फ्लोर ही देखने को मिलेंगे, और फर्स्ट एंट्रेंस से आपको तीन फ्लोर चढ़ने पड़ते हैं। सो कहने को दो फ्लोर है, बट यहाँ पे फर्स्ट जो है उन्होंने लॉबी रखा हुआ है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, और बीच में एक ग्राउंड फ्लोर करके है। सो तीन फ्लोर्स हो जाते हैं, देख सकते हैं क्या आपको दिखेंगे दो ही फ्लोर्स, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये ग्राउंड फ्लोर है, और इसके ऊपर आपको दो फ्लोर दिखने मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से रास्ता नीचे की तरफ जाता है ये। सो ये बेसिकली लॉबी में जाता है, वहाँ से लॉबी से अगर आप एंट्री लेंगे तो आपको तीन फ्लोर्स फील होंगे, पर दो ही फ्लोर्स है। ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर है अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और इसके ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। यहाँ पे मैकडी जो है तीनों फ्लोर्स में आपको देखने को मिलेगा, दोनों फ्लोर्स में एक्चुअली, और ऊपर जो है गेमिंग सेक्शन है। सो लेट मी टेक यू टू द अपर साइड, और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ क्या कैसे दिखता है। और यहाँ के एस्केलेटर्स का तो यही सीन है, सो इफ एनीवन इज वॉचिंग फ्रॉम मॉल अथॉरिटीज़, तो एस्केलेटर्स का ध्यान रखो, सब बंद है, चल चल के जाना पड़ रहा है, पूरा एस्केलेटर्स बंद पड़ा हुआ है। डोंट नो व्हाट द रीज़न, बट मॉल अथॉरिटी नीड टू चेक इट आउट। सो यहाँ का एस्केलेटर्स तो एज यू कैन सी
काम कर रहा है, बाकी नीचे के दोनों एस्केलेटर्स बंद पड़े हैं। सो कांट हेल्प इट, भी जो है हम लोग आ चुके हैं सेकंड फ्लोर में और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ गेमिंग सेक्शन है यहाँ पर और बाकी सारे स्टोर्स भी दिखाता हूँ मैं आपको। सेकंड फ्लोर हम आ चुके हैं और इतना ही है मॉल में। एक आपको मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ, टॉप से कैसा व्यू आपको पूरे मॉल का देखने को मिलता है। सो यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ दैट। सो यहाँ से दिखाता हूँ, दिस इज हाउ एक्चुअली इट लुक्स फ्रॉम टॉप। वहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप नीचे ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है एक्चुअली। और मैं आपको बोल रहा था नीचे एक लॉबी है, सो लॉबी को आप देख सकते हैं ये है, और इसके नीचे एक पार्किंग एरिया भी है। सो काफ़ी है जहाँ से वो बंदा जा रहा है। सो ये लोग जो जा रहे हैं ना यहाँ से, ये दैट इज़ दी ग्राउंड फ्लोर के नीचे का एरिया। और ये जो आप देख सकते हैं ये लॉबी है, और उसके बाद यहाँ पे है ग्राउंड फ्लोर। और वो एरिया है, मैं आपको जो मैंने आपको नीचे से जो व्यू दिया वो नीचे का है, वो एरिया है। यहाँ पर कहीं पर मैं खड़ा था, यहाँ पर आई गेस यहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया था, जहाँ पे ये लोग खड़े हैं इनके पास में ही था मैं भी। तो वहाँ से कुछ लिया हुआ है ये वो व्यू जो आपने देखा। और ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ये सेकेंड फ्लोर है ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं अभी। सो ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से जाता है कैमरा, और आप लोग देख सकते हैं, नोटिस कर ही सकते हैं बाकी चीज़ें, ठीक है। तो गाइस आपने यहाँ से टॉप से व्यू तो देख लिया, फाइनली जाते हैं हम यहाँ के गेमिंग सेक्शन में और मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा कई गेम खेले हुए यहाँ, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है आपको यहाँ है। और यहाँ पर एक क्लब भी हुआ करता हूँ जो कि बंद हो गया है अभी। और यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो पीछे का एरिया है वो आइनॉक्स का है, वहाँ पर आप मूवीज़ वगैरह के लिए आ सकते हैं। सो हो सकता है कल परसों वापस आना पड़े मुझे पद्मावत के लिए यहीं पर। सो मेरा गेमिंग सेक्शन फिलहाल तो बंद पड़ा हुआ है, हम कर रहे हैं एंट्री। मैं आखिरी टाइम पर हूँ, मैं 10 बजने वाले करें, 5:30 बजे करें, 9:45 हो रहे। सो सब बंद पड़ा है यहाँ पे, खाली पड़ा है, बोला कुछ है नहीं। शॉप्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सीन है यहाँ का, बाकी तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, बंद पड़ा हुआ है फिलहाल तो, बाकी का ये फिलहाल पूरा खाली है, देख सकते हैं। सो नीचे में आप दिया गया, बाकी का आप लोग देख लीजिए जो भी है सीन। और शॉप्स के नाम पे आते काफ़ी कुछ है, मैकडी सब देखे अब सब देखने को मिल जाता है आपको। तो फूड क्योंकि मैकडी का फूड काफ़ी अच्छा है, फूड क्वालिटी मैं तो खाने का मेरा कुछ बिल्कुल मन नहीं है, मैंने सब कुछ खा दिया प्लान कम्प्लीटली। और वो जो है यहाँ पर थोड़ा सा बैठते हैं कहीं पे, और मैं आपको दिखाता हूँ सीनरीज वगैरह क्या सीन है बाकी का, कैसे क्या चल रहा है। तो उसको जो है मैं पहले रख देता हूँ एक जगह पर स्टेबल। सो नाउ वी आर गुड टू गो, और बातें करते हैं थोड़ा सा। जो मॉल है मैंने आपको आई गेस पूरा मॉल दिखा दिया, यहाँ पे स्टोर्स काफ़ी सारे हैं। मैं आपको मॉल का एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में मॉल की वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ। सो मॉल वालों ने उसके लिए कुछ पे नहीं किया, फिलहाल मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है, सो देखते हैं हम कुछ खाने को मिलता है अभी, चले लेके आता हूँ। कुछ खाने का नहीं एक्चुअली पीने का मन हो रहा है, सो कुछ लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया मुझे खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, सो मैंने सिर्फ ये लिया है, प्रोडक्ट का नाम है कोक फ्लोट। सो बिल देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से, 39.40 का आता है GST वगैरह मिला के, और ये काफ़ी अच्छा रहता है बेसिकली। अगर किसी मैकडी अगर आपने एक कोक फ्लोट मैक कोक फ्लोट ट्राई नहीं किया है, सो मैं आपको बता दूँ इसमें नीचे से कोक रहता है और ऊपर से थोड़ी सी सॉफ्टी डाल देते हैं इसमें। तो कुछ इतना ही है, आप लोग देख सकते हैं और बस टेस्ट कर दें, और बाकी की मैं आपको बताता हूँ क्या ऐसी। मैंने आप लोगों को पूरा बहुत से दिखा दिया, और नॉइज यहाँ पर फैम है, काफ़ी सारी पब्लिक भी है, सो नॉइज है। और वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, आपको तो दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा गेमिंग सेक्शन रह गया, तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ तो ये गेमिंग सेक्शन का क्या क्या सीन है, ये मेरा बैग है जो बाकी तो है। जो बाकी तो जाते हैं यहाँ पे गेमिंग सेक्शन, आप भी आप लोग देख बोलोगे पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं खाली पड़ा हुआ है, आई कांट हेल्प इट। और बाकी का देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नॉइजी है, प्लेस का नाम है जिंग एरिया, थोड़े जिंग एरिया करके है आप देख सकते हैं। और भी वैसे साल नहीं पड़ा हुआ है, कुछ खास है नहीं यहाँ पे।
बस निकलते हैं, हॉल से एग्जिट करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी थंबनेल रह गई, थंबनेल के लिए फोटो क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक करेंगे, चलिए जाना ही है फिर बेसिकली। तो सुबह से ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर है, बट यहाँ से हम एग्जिट लेने वाले हैं, निकाला हूँ मैं। सो यही वो प्लेस है, स्टार्ट भी मैंने आपको दिखा था, नॉट एट द वेरी बिगिनिंग बट मिडल आई गेस। सो लेट्स सी, फर्स्ट फ्लोर है बट यहाँ से एग्जिट का भी वही है, मैंने आपको बताया था कि दो एंट्रेंस है यहाँ पे। सो ये सेकेंड एंट्रेंस है और यहाँ से हम लेने वाले हैं एग्जिट। और यहाँ पर अगर आपको शॉपिंग के लिए आना है तो शॉपर स्टॉप आपको मिल जाएगा, और मैं आपको लिस्ट ऑफ स्टोर दे दूँगा नेचुरली डिस्क्रिप्शन में, मॉल वेबसाइट के लिंक ही दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कौन से स्टोर से। और यहाँ पर एसएस तो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एसएस, बाकी और ज़्यादा कुछ खास नहीं, 10 बज चुके हैं, स्टोर भी बंद सा ही है और हम भी निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। That's it. और यहाँ पर आपको इसके साथ साथ ही लुक वेल और सीसीटीवी वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, KFC सीसीटीवी सब मिल जाता है आपको, स्टारबक्स नहीं है आई गेस, सीसीटीवी से काम चलाना पड़ेगा। That's it. निकलते हैं, अभी हम जा रहे हैं बाहर, बाकी की बातें घर पहुँच के आई गेस वीडियो खत्म कर देना चाहिए क्या यहीं। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं बाहर, यहाँ से लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, सो यहीं पर मैं खत्म करता हूँ वीडियो को। सो अगर आप लोगों ने देख लिया वीडियो यहाँ तक तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, क्योंकि बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और नहीं कि आप तक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल, अच्छी तरह कंटेंट मैं ब्लॉग भी आप लोगों को लाइक करने की कोशिश करूँगा, और बाकी आपको पता है टेक्निकल कंटेंट बस सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो चैनल देखते हैं।